नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहेते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी सुपर टेट एग्जाम जो कि 2022 में आने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में। और दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको उसमें से क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ताकि आप 150 में से 120 प्लस बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख रहे हैं, इस समय हम हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती परीक्षा की विषय वस्तु। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हिंदी व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये टोटल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कक्षा 12वीं तक के स्तर का ही ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। उससे ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 12वीं तक के ये सारे सब्जेक्ट आपने कवर किया है, अच्छे से कवर किया है, तो आप बहुत ही आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और बात करें मैथमेटिक्स और साइंस की, तो दोस्तों मैथमेटिक्स और साइंस अगर आप क्लास 10 तक अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम में 120 प्लस बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें 40 नंबर की, तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि 40 नंबर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है आपका लैंग्वेज सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा संस्कृत भाषा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर ये यूपी का एग्जाम है तो वहाँ पे हिंदी को प्रियोरिटी दी जाएगी। तो बिल्कुल हिंदी यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 20 नंबर का पूछा जाएगा। अगर बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी आपसे 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें संस्कृत की, तो दोस्तों संस्कृत भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। 20 प्लस 10 प्लस 10। अब इनको अगर डिटेल में देखें तो इन सभी सब्जेक्ट से, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इसके दोस्तों व्याकरण पूछे जाएंगे और अपठित गद्यांश से क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे जिसमें आपको कुछ गद्यांश दे दिए जाएंगे और पद्यांश दे दिए जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने रहेंगे। वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा और संस्कृत में भी मिल जाएगा। तो टोटल लैंग्वेज सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 40 नंबर आपको लैंग्वेज सेक्शन से आपको देखने को पेपर में मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप क्लास 10 तक के सारे ये बुक्स बहुत ही आसानी से अगर कवर्स कर सकते हैं, या फिर जो लेक्चर आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलने वाले हैं, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं इस लैंग्वेज सेक्शन में। और अगर दोस्तों आप बहुत ही आसानी से और सिंसियरली अगर इसको पढ़ेंगे तो आप 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस लैंग्वेज सेक्शन पे। अब अगर दोस्तों बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो साइंस। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान सेक्शन से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों साइंस में आपको बहुत ही डिटेलिंग में नहीं जाना है। अगर आप जनरल स्टडीज का देखें या फिर 10th लेवल तक के साइंस के आप बुक्स को देखे होंगे, अगर आप पढ़े होंगे, तब भी आप 10 नंबर में से 8+ बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और अगर इस विज्ञान को थोड़ा डिटेल में देखें, साइंस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखें, तो दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके दैनिक दिनचर्या में विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर दैनिक जीवन की बात करें दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, आपको सूर्य दिखाई देता है, सूर्य में किस किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और बाकी सारे जो, जैसे कि गति, बल, ऊर्जा, आप जैसे ही उठते हैं, उठने के बाद सोने तक क्या क्या विज्ञान की उपयोगिता है आपके जीवन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, उसके बारे में भी, उसमें भी विज्ञान है। हवा है, उसमें भी विज्ञान है। हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट सब में विज्ञान है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला पार्ट देखिए दोस्तों, तो गति, बल और ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ये सब सारे सब्जेक्ट्स के जो लेसन्स हैं उसके नाम दिए गए हैं। ये सारे दोस्तों मैं बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से अपने चैनल पे आप लोगों के लिए कवर कराने वाला हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में और दूसरे स्टेट में
इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसका भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और दूसरे स्टेट यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं उसमें उस स्टेट में टीचर्स की वैकेंसी के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पे कराऊंगा। आगे दोस्तों देखें तो ध्वनि चैप्टर से जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लक्षण, धातु, अधातु। आप दोस्तों अगर देखेंगे ये जो टोटल विज्ञान का पोर्शन है 10 नंबर का जो पूछे जाने वाला है, ये अगर 10 तक के आप सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसमें 8+ मार्क कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें जो लोगों को काफी टफ लगता है, गणित सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइंस साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने मैथमेटिक्स 12th या आगे तक किया है, बीएससी वगैरह किया है, तो आपके लिए तो गणित का सेक्शन इजी लग सकता है, लेकिन उनके लिए जो गणित 10th के बाद ही छोड़ दिए हैं उनके लिए थोड़ा सा गणित थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को अपने चैनल पे क्लास 6 से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, क्लास 6 से लेकर के 10वीं तक के गणित के बुक्स और उसमें से छाट के एकदम बेसिक लेवल से मैं अपने चैनल पे आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि जिन्होंने गणित लगभग 5-6 साल पहले छोड़ दिया है, गणित पढ़ना छोड़ दिए हैं 5-6 साल पहले, उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपने चैनल पे वीडियोस के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से। क्लास 6 लेवल की बुक्स को मैं पिकअप करूँगा, उसमें से टॉपिक्स को लूंगा और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, दूसरे स्टेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब लेकर के दोस्तों मैं अपने चैनल पे आप लोगों को समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आप डिटेल में इसके क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा अगर आप उससे मीडियम लेवल पे आएंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, जैसे कि अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानी मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीज गणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकाएं और सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी से क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को मिलेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको गणित सेक्शन के सुपर टेट एग्जाम में मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से आपको 10 नंबर आपके पेपर में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, आप इसको जियोग्राफी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि ये जियोग्राफी आप इसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी की संरचनाएं, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इन सब के बारे में, या अक्षांश और देशांतर के बारे में, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, मतलब आप देख सकते हैं ये पूरा जियोग्राफी सेक्शन ही है। तो एनवायरमेंट में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। अब अगर दोस्तों बात करें आगे, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण कौशल से दोस्तों आप देखेंगे कि 10 नंबर आपको शिक्षण कौशल से भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण कौशल से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें आगे तो बाल मनोविज्ञान, दोस्तों बाल मनोविज्ञान से आपको टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे, मैं ये सारे जितना भी सिलेबस है अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से पूरा एकदम कैटेगराइज कर दूंगा कि शिक्षक कौशल के वीडियोस अलग कर दूंगा, बाल मनोविज्ञान के अलग कर दूंगा, और कुछ दोस्तों आप देखेंगे कि एक दूसरे से रिलेटेड भी रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें शिक्षण कौशल की और बाल मनोविज्ञान की, तो आप अगर इसे साथ में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे, और लगभग दोनों रिलेटेड ही रहते हैं कि मतलब आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप में पढ़ाने की क्षमता,
या एक पर्टिकुलर आपको डिसीजन लेना होगा तो आप कैसे करेंगे, ये आपको शिक्षक कौशल में मिलेगा। अब बाल मनोविज्ञान भी आपको यहाँ पे दोनों को अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसानी से आप 20 में से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आप अगर ध्यान से इसे पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान से आपको 30 नंबर का क्वेश्चंस मिल जाएगा आपके पेपर में। जी हाँ दोस्तों आपको भी पता होगा सामान्य ज्ञान अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज एक पूरा समुंदर है। इसमें कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि आपको सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा इससे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। कोई एक फिक्स नहीं है कि हाँ ये बुक पढ़ के जाएं तो हम 30 में से 30 इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप 30 में से 30 बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक चैनल से या किसी एक प्लेटफॉर्म से आप पढ़ें और 30 में वहीं से ये गारंटी रहे कि आपको पूरे क्वेश्चंस वहां से मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान और ये समसामयिक घटनाएं से आपको दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। दोस्तों आप यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेजेंट की घटनाएं हो रही हैं काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेट रहता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही आपका एग्जाम डिक्लेयर हो, नोटिफिकेशन उसका आ जाए, आप लास्ट के 6 महीने के या लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और अभी से ही करंट अफेयर पढ़ने की अगर आप देखें तो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब से अगर आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जैसे ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है तो लास्ट 6 महीने के या लास्ट 1 ईयर के आप स्टेट के, अपने यूपी के और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। अगला दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तार्किक ज्ञान, रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो आप सबसे पहले देख लीजिए आपका लैंग्वेज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है यहाँ पे। और बात करें गणित की, तो गणित भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट, लोग यहाँ पे गणित में 20 out of 20 भी स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जो दोस्तों ये रीजनिंग सेक्शन है इससे भी आप 5 नंबर बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी बेसिक रहता है, बहुत टफ लेवल के, आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसकी बराबर प्रैक्टिस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, आप बहुत ही आसानी से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे अगर आप मेरे वीडियोस को मेरे चैनल पे फॉलो करेंगे। तो आगे दोस्तों देखें तार्किक ज्ञान, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको तार्किक ज्ञान से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन जिसमें एनालॉजीज, एसर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ये दोस्तों बाइनरी लॉजिक जो है ये आपको कंप्यूटर्स में भी देखने को मिलेगा, सूचना तकनीकी में भी आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा बाइनरी लॉजिक। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोड्स और कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, इन सारे सेक्शन से आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सूचना तकनीकी की, आईटी की दोस्तों बात करें, तो दोस्तों आईटी से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो सूचना तकनीकी से आपको मैं 5 में से 5 पूरे नंबर दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, और बहुत ही आसानी से आप पा सकेंगे कंप्यूटर से। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देखें तो आप देख सकते हैं शिक्षण कौशल विकास तकनीकी, मतलब आप
पढ़ाई में आप आईटी को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो करा रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे होंगे, तो एक पूरा आईटी के माध्यम से ही देख रहे होंगे, सूचना तकनीकी के माध्यम से ही देख रहे होंगे, तो मतलब इसी तकनीक का उपयोग हम कला और शिक्षण में कैसे यूज कर सकते हैं, पढ़ाने लिखाने में कैसे यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ के दोस्तों आपको क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। शिक्षक कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, अशिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, इन सारे सेक्शन से दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने हैं। अब दोस्तों अगला अगर सेक्शन देखें तो जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूलदंड एवं पुरस्कार व्यवस्था की प्रभावी प्रयोग। अगर दोस्तों हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे अगर आप ये लगभग दोस्तों आपको यहाँ पे कम्बिनेशन मिल जाएगा, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल को अगर आप पूरा कंबाइन करके देखें तो पूरा आपको काफी अच्छा आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेक्शन पे काफी ध्यान देना होगा, भाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत, 40 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और विज्ञान सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और गणित सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों स्टार्टिंग के इन 3 सब्जेक्ट को ही देखा जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट को ही देखा जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 70 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको टोटल 70 नंबर देखने को मिल जाएगा अगर स्टार्टिंग के हम 3 सब्जेक्ट्स को देखें तो। अब अगर बात करें, अगर हम उसमें अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं मैथमेटिक्स और यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं जनरल स्टडीज को, तो यहाँ पे इसको लेने के बाद आप टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये टोटल सेक्शन जो तीनों सेक्शंस हैं, सामान्य ज्ञान, गणित और यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज सेक्शन और विज्ञान सेक्शन, इससे आप काफ़ी, और ये पर्यावरण, इन सारे सेक्शन से आप बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस को फॉलो करते हैं, लेक्चर्स को फॉलो करते हैं। और आपका रीजनिंग सेक्शन, इससे भी आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं, सूचना तकनीकी से भी 5 में 5 आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दूसरे स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से, और उस पूरे लेक्चर को दोस्तों मैं अपने चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और आगे के वीडियोज़ पाने के लिए, नोटिफिकेशन उनका पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं आगे की क्लासेस और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।